प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सख्ती में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान रामनवमी समाज से जुड़े हुए लोगों ने भी पीएम के साथ मंच साझा किया। वहीं स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता दिलीप साहू ने रामनवमी समाज से जुड़े कुछ लोगों के साथ उनकी परंपरा, संस्कृति और राजनीतिक ताने बाने को लेकर खास बातचीत की है। ऐसा वर्ग भी है जो राम को निराकार के रूप में मानते हैं, रामनामी समाज। आज हम रामनामी समाज से जुड़े हुए प्रदेश भर के अलग अलग यहाँ प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर इनकी ये क्या परंपरा है। आप देख सकते हैं ये पूरे शरीर में गोदना गुदाए हुए हैं राम के नाम का, और ये जो टोपी सा लगाए हुए हैं मयूर पंख के साथ, इसमें भी राम राम लिखा हुआ है और चेहरे के एक एक जगह पर राम नाम गोदा हुआ है। इनका जो वस्त्र है इसमें भी देख सकते हैं राम नाम लिखा हुआ है। तो इनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये राम नाम की जो परंपरा है इसकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले हम माता जी से जानेंगे, ये राम नाम की जो आप लोग गोदना करते हैं या अपने जीवन में शामिल किए हुए, इसकी परंपरा की शुरुआत कब से हुई? हमारे चार पारा गांव में लहरी परसु दोनों भाई, वो लोग रामायण पाठक है और स्कूल पढ़ा नहीं है, तो भी उसको एक पुस्तक मिला, उसको पढ़े और पढ़ते पढ़ते वो बहुत उनको साहस हो गया कि हम वाणी हुआ राम राम तुम लिखाओ लहरी परसु, तुम बहुत प्रेमी है ऐसे वाणी हुआ। तो वो लोग राम राम लिखाया, कैसे लिखाएं क्या करें, तो उसका जो अनाज का ढाबा है उसी में लिखा गया चार अक्षर। तो उसको सुबह उनको कन्या मिला 16 साल के, वो सिर में उसका राम राम लिखा। तो फिर वो पूरा भ्रमण करे रात में, नंदी का इस पार उस पार सब घूम घूम कर वो भजन किया और साथी लोग का गया, तो सब उसको देख कर खुश होकर सब उसका साथी हो गया, सब लिखाने लगा। तो बहुत 10 लाख रामनामी था, नर नारी करके बच्चा को भी लिख देते थे और छोटा बच्चा जब जन्मते थे उसको भी लिख देते थे। अभी तो नहीं लिखता है क्योंकि स्कूल भर्ती नहीं लेता है, ए रामनामी का लड़का है ऐसे कहकर। तो उसी लिए ना स्कूल तो चालू हुआ, हमारे जाति लोग को नहीं लेते रहे स्कूल में। ये जो पीढ़ी है, परंपरा है, कितनी पीढ़ी हो गए होंगे? और जैसे कि माता जी ने बताया, एक तरह से मैं समझ पाया कि बहुत समय से जैसे स्कूल में भी आप लोगों को प्रवेश नहीं मिलता रहा था, ये सबको अब नया पीढ़ी के बच्चे तोड़ रहे हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ तो गुलाम था, तब लोगों को हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ये जो रामायण है, तुलसीकृत हो या रामचरित मानस हो, हमारे पूर्वज के लोग पहले से रामायण पाठक है। वो इसलिए कि जहाँ दो चार लोग कहीं इकट्ठा हो जाते, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे तो आज की भाषा में कहा जाए 144 का धारा लगा देते थे वहाँ, कि कहीं ये संगठन ना बना ले युद्ध करने के लिए, हमें भगाने के लिए। तो हमारे रामनामियों ने एक उपाय निकाला, रामायण को एक माध्यम बनाया और रामायण के साथ उसी से लोग पहले पीढ़ा पाठ बोलते थे, पीढ़ा में पढ़ते थे और रामायण के द्वारा पढ़ना चालू किया। तो जब रामायण लेकर 10-20 भी अगर बैठ जाते तो वो लोग, उनके सिपाही लोग समझते आ रहे लोग, धार्मिक काम को लेकर कभी भी कोई किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए धर्म मतलब वो समझते ये लोग कुछ पुस्तक पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उसी से हमारे लोग संगठन बनाए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हमारे लोग, और हमारे लोग शहीद भी हुए और कहाँ तक कहे हमारा देश स्वतंत्र भी हो गया। जी बिल्कुल, समझ सकते हैं कि जिस तरह से वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, और ये किसी जातीय वर्ग विशेष के तौर पर नहीं बल्कि एक निराकार के रूप में राम को मानते हैं। और अभी जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तब भी आप लोगों को बुलाए थे, बैठे थे, कैसा रहा उनके साथ अनुभव? बढ़िया रहा, बढ़िया भाव से बात किया, प्रेम से बात किया और सम्मानित किया। और हम लोग उसके पीछे तरफ बैठे थे और मुख्यमंत्री जी हमारा था अभी वर्तमान में, उसको थोड़ा हटा दिया कुर्सी को, एक सेठ भाई को एक कुर्सी में बिठाला है, मुझे बिठाला हमने सामने और बात किया, बढ़िया बात किया
और पूछताछ किया, मेरे उम्र को भी पूछा कि आपको कितने दिन हुआ है, तो मैं 82 साल हो गया बोला, तो खुश हो गया। और आप आशीर्वाद देने आए हैं तो आशीर्वाद दीजिए, तो आशीर्वाद आज है हमारा, आप बढ़िया अच्छा काम कीजिए, अच्छा काम करेंगे तो आप तो जीवित रहेंगे। ये बात भी प्रचलित हो गया है कि भाजपा में आप लोग शामिल हो गए पार्टी में, इसको लेकर क्या कहना? देखो भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं, हम लोग किसी को भी वोट दे सकते हैं, स्वतंत्र हैं, जो अच्छा काम करेगा उसको तो वोट देना है। ये अभी जो राम के नाम पर राजनीति चल रही पूरे देश भर में, इसको लेकर क्या कहना आपका? इसको राजनीति है, राजनीति को लोग जानेगा, हम लोग थोड़े जानेगा, हम लोग तो राम राम कहने वाला है जहाँ पर। मैं राम का बड़ा भक्त हूँ, या हमारी पार्टी राम के मंदिर बनवाए हैं, एक कह रहे हैं कि हम राम वन गमन पथ बनाए हैं, हम ज्यादा राम को मानने वाले हैं, तो राम के नाम पे वोट जो मांग रहे हैं? नहीं जी, सब एक भाव, सब हमको जानना पड़ेगा, राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, राजनीति में कुछ फायदा नहीं है, जिसमें करेंगे उसको वोट देंगे। हाँ जी, ये देख सकते हैं ये राम नामी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और राम की जो परंपरा है, कैसे इनकी जो संस्कृति में आए, ये इनके भी बारे में इन्होंने बताया, और इनका जो आर्थिक आधार केवल इनका रामनामी समाज का कोई मांगने या मांग कर गुजारा करने वाला समाज नहीं है, ये खेती बाड़ी भी करते हैं और इनके आर्थिक आधार अपनी खेती बाड़ी है। और इनकी जो अब नई पीढ़ी जो आ रही है वो क्योंकि स्कूलों में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी से विलुप्त हो रहे हैं इनकी जो परंपरा है उनको। लेकिन इनका कहना है कि ये जो निराकार राम है, इनको अपने में आत्मसात किए हुए हैं, और ये राजनीति जो वर्तमान में राम के नाम पर हो रही है इसको ये सही नहीं मानते। कैमरा पर्सन गुपेंद्र के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।